Munchkins. My name is Ocean, your very own English master teacher. So guys, welcome back to the session. आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही मजेदार चैप्टर की जिसका नाम है द थीव स्टोरी. हाँ जी, ये एक चोर की कहानी है और एक ऐसे चोर की कहानी है जो कि एंड ऑफ द लेसन में डिसाइड करता है कि उसे चोर बनना ही नहीं है. है ये कैसे हो गया? कोई नहीं, हम मिलकर ये जानेंगे. और ये ही नहीं, हम इसके थीम्स भी डिस्कस करेंगे, हम यहाँ तक के कैरेक्टर स्केचेस भी डिस्कस करेंगे और बड़े ही शॉर्ट और क्रिस्प रखने वाले हैं हम ये वीडियो. सो मेक श्योर यू वॉच इट अंटिल द वेरी एंड. सो इस जो हमारे चैप्टर है इसके राइटर है रस्किन बॉन्ड जी. आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट, स्पेशली मी. यार देहरादून से है, पहाड़ों में रहते हैं हमारे रस्किन बॉन्ड. सो यस, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी. कैरेक्टर्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें हमारे दो मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि है अनिल और हरी सिंह. अब अनिल जो है वो एक 25 साल का राइटर है. यार बड़ा ही लापरवाह राइटर. अगर पैसे की बात करें तो बंदे को पैसे मैनेज ही नहीं करने आते मेरी तरह. कोई बात नहीं, बेचारा सीख जाएगा, शायद मैं भी कभी. सो ही इज वेरी बैड एट मैनेजिंग मनी. पैसे आते हैं उड़ा देता है, कभी उधारी लेता है, ठीक है, कभी कहीं से मांग लिए दो पैसे, तो ऐसे करके अपना घर चलाता है. राइटर है बट साथ साथ ना दिल का बड़ा भला इंसान है, बड़ा ही जेनरस है, बड़ा काइंड है, बड़ा फॉरगिविंग भी है और बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेता है. वहीं अगर हम हरी सिंह की बात करें तो ये कैरेक्टर का रियल नेम नहीं है बट थ्रू आउट द स्टोरी कैरेक्टर ने अपने आप को हरी सिंह बुलाया है. ऐसा क्यों? क्योंकि भाई वो चोर है, 15 साल का चोर और बड़ा ही शातिर चोर. अब उसे पता है कि अगर वो सेम नेम कंटिन्यू करेगा तो उसे आराम से कोई भी ट्रैक कर सकता है, पुलिस ट्रैक कर सकती है, वो पकड़ा जा सकता है. तो वो हर महीने अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बदलकर लोगों को उल्लू बनाता है और ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाता है. तो स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अनिल ना बड़े मजे से एक रेसलिंग मैच एंजॉय कर रहा है और वहीं दूर से हरी सिंह ना उसे ऑब्जर्व कर रहा है. यार बड़े दिनों से किसी को लूटा नहीं है, क्या करूं क्या करूं, अरे मिल गया मेरा नया शिकार. वो जाता है अनिल सिंह के पास और बड़े प्यार से ना रेसलिंग की बातें करने लगता है. अरे तुम्हें रेसलिंग पसंद है? यू लुक लाइक अ रेसलर योर सेल्फ. एंड ही इज लाइक, पतला दुबला इंसान, मैं कहां से रेसलर दिख रहा हूं तुम्हें? पर बोलता है कोई बात नहीं, पता है मुझे भी रेसलिंग का शौक है. और ऐसे करके वो थोड़ा सा ना मक्खनबाजी उसके साथ करता है और फिर बातों ही बातों में उससे पूछता है कि यार सुनो, तुम मुझे पैसे दे सकते हो अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ काम करूं? वो बोलता है सुन भाई, पैसे तो अपन के पास नहीं है, ठीक है, बट अगर तुझे खाना बनाना आता है ना तो मैं उसके बदले तुझे रहने की जगह और थोड़ा खाना दे सकता हूँ. तो वो वहां पर झूठ बोल देता है हमारा हरी सिंह कि हाँ 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 भाई मेरे को खाना बनाना आता है. पर जब बारी आती है एक्चुअली खाना बनाने की, अये हाय इतना घटिया खाना कि बेचारे अनिल को वो खाना ना कुत्तों को खिलाना पड़ता है. बट अनिल दिल का सीधा भोला भाला ट्रस्टवर्दी इंसान, वो बोलते कोई बात नहीं बबुआ, हम तुम्हें खाना बनाना सिखाएंगे. यहां तक कि उसे पढ़ना लिखना तक सिखाने लगता है और हरी सिंह को उसमें ना बड़ा मजा आने लगता है. अब धीरे धीरे हरी सिंह क्या करता है, वो रोज ग्रोसरी शॉपिंग ये सब सामान लेने जाता होता है. तो जैसे हम लोग नहीं कहते थे कि 10 रुपए बचे, मम्मी को बोला कि नहीं नहीं मम्मी सिर्फ 5 रुपए बचे थे, 5 रुपए का मतलब उस सब्जी वाले ने ले लिए थे. तो वैसा ही कुछ वो भी करने लग गया और ऐसी छोटी मोटी चोरी चकारी से वो अपना काम चलाने लग गया. अब एक दिन क्या होता है, अनिल ना बड़ा खुश होकर घर आता है. क्यों? क्योंकि उसने एक किताब पब्लिशर को बेच डाली थी और उसके पास थे पैसे ही पैसे. और फिर हरी सिंह का दिमाग चल गया, उसने बोला आज मेरे पास मौका है, आज मैं चोरी कर सकता हूं. और उसके दिल में फिर ऐसा हुआ कि मतलब करूं कि ना करूं, मतलब अनिल मेरे साथ इतना अच्छा है. फिर वो सोचता है कि यार मतलब अमीर आदमी से चोरी करने में तो मतलब मजा भी आता है क्योंकि वो नोटिस करता है, उसे गुस्सा आता है, पर केयरलेस इंसान से चोरी करने में क्या मजा, मतलब उसे पता ही नहीं चलेगा उसकी चोरी हुई है. पर फिर भी वो सोचता है कि नहीं, ये बंदा मुझे पैसे नहीं देता है, मैं इसे चोरी करूंगा. तो वो बड़े ही शातिर तरीके से, ठीक है, बड़े ही ध्यान से उसके बेड से पैसे चुरा लेते हैं जब वो सो जाता है और वहां से रफू चक्कर हो जाता है. रफू चक्कर होकर भाई साहब जाते हैं रेलवे स्टेशन. क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं लखनऊ की ट्रेन पकड़ूंगा मस्त तरीके से यहां से 9:11. पर पता नहीं उसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि ट्रेन उसके सामने से जा रही है, आंखों के सामने से. एंड वो सोचते हैं कि नहीं यार मैं ट्रेन पर नहीं चढ़ सकता. उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि अनिल को कैसा लगेगा, अनिल ने मुझ पर इतना ट्रस्ट करा था, ठीक है. जब एक रिच आदमी से वो चोरी करता है तो उसको गुस्सा आता है, ग्रीडी मैन से जब वो चोरी करता है उसे डर लगता है, बट अनिल से जब वो चोरी करेगा तो अनिल के चेहरे पर ना सिर्फ निराशा होगी, सैडनेस होगी. और वो सैडनेस इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसके यहाँ चोरी हुई है, उसके यहाँ उसके चेहरे पे वो सैडनेस
इसलिए होगी क्योंकि उसने हरी सिंह पर ट्रस्ट किया था और यही चीज ना उसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये जो उसने करा चोरी वाला काम, क्या ये सही भी था। अब यही करते करते वो रोड पे चल रहा है और एकदम से बारिश होने लगती है, मतलब कंगाली में आटा गीला। अब भाई साहब के दोस्त भी नहीं है हरी सिंह के, कि ये नहीं कि दोस्तों के यहाँ चले जाओ, क्यों? क्योंकि उसको वो बात पता थी जो आप सबको नहीं पता, कि दोस्त जो हैं वो फायदे से ज्यादा तो नुकसान कराते हैं भाई। वैसे ही जैसे हमारे दोस्त पूरे साल मटर गश्ती करेंगे, एग्जाम टाइम में कुछ पूछ लो ना, उनके नोट्स कंप्लीट ना तुम्हारे नोट्स कंप्लीट। ऑलराइट, तो उसके दोस्त भी नहीं है, तो वो क्लॉक टावर के नीचे बैठा हुआ है। तो फाइनली डिसाइड करता है कि चलो कोई नहीं, मैं वापस जाता हूँ। तो बड़े ध्यान से वापस जाता, पैसे ना वहीं रख देता है जहां से उसने उठाए थे। अब अगले दिन सुबह होती है तो अनिल उसके पास आता है चाय की प्याली लेकर और साथ में उसके लाता है 50 रुपए का नोट। पर पता है वो नोट ना गीला था, मतलब कि अनिल को कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि ये पैसे हरी ने चुराए हैं क्योंकि कल रात को हुई थी बारिश, पर फिर भी वो हरी को कुछ नहीं बोलता। उसकी आंखों में ना एक शिकन तक नहीं होती कि भाई तुमने मुझसे पैसे चुराए थे। राधव उसे बोलता है कि सुनो आज ना हम फुल सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे, और ये सुनकर हरी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि उसे पता था कि अनिल उसे पढ़ा रहा है और पढ़ाई के माध्यम से वो जितनी सक्सेस, जितनी ऊंचाइयों तक जा सकता है उतनी ऊंचाइयों तक चोरी उसे कभी नहीं ले जा सकती। क्योंकि गलत काम आप चाहे ही मतलब कितने टाइम तक कर लो, उसका एक ना क्या बोलते हैं एंड लिमिट, एंड पॉइंट आता है, एक्सपायरी डेट होती है जिसके बाद आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। पर एजुकेशन एक ऐसी उड़ान है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इट कैन टेक यू एनी वेयर यू वॉन्ट। सो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। सो अगर हम थीम्स की बात करें तो उसके दो इंपॉर्टेंट थीम्स है। नंबर वन, ट्रस्ट वर्सेज बिट्रेयल। हरी सिंह पर अनिल ने बिल्कुल ही अंधा विश्वास किया था, बट कहीं ना कहीं हरी ने अनिल का वो विश्वास तोड़ा। चाहे एंड में उसे अपनी गलती रियलाइज हुई, बट यस देयर वाज अ बिट्रेयल हिडन। सेकंड ऑफ ऑल, काइंडनेस कैन चेंज द वर्स्ट ऑफ हार्ट्स। अनिल ने हरी के लिए कुछ नहीं करा था, मतलब उसके लिए ऐसा नहीं बहुत पैसे दिए थे, बस उसके ऊपर विश्वास रखा, ठीक है, उसकी तरफ काइंडनेस दिखाई, उसके लिए वो ट्रस्ट दिखाया जो शायद उस 15 साल के बच्चे के ऊपर किसी ने आज तक नहीं दिखाया था। उसको एक वो होप थी कि अगर वो पढ़ाई करे, एजुकेटेड हो जाए, तो वो अपने लिए एक नई राह चुन सकता है। और सिर्फ इसी चीज की वजह से कहीं ना कहीं हरी में एक बदलाव आया और उसने वो तय करा कि वो चोरी ना करके एक सही रास्ते से पैसे कमाएगा। सो गाइस, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये नया तरीका पसंद आया। एंड वेट फॉर द पार्ट टू, बिकॉज उसके अंदर अभी हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, हास्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे, पढ़ते बढ़ते।